नॉ अलजेब्रा ऑफ आइडियाज़ में आज हम बात करेंगे प्रोडक्ट ऑफ आइडियाज़ की। जैसे हमने लास्ट लेक्चर में, लास्ट वीडियो में सम ऑफ द आइडियाज़ किया था, अगर आई और जे दो आइडियाज़ हैं देन प्रोडक्ट ऑफ आइडियल हमारे पास क्या है, आई इंटू जे विच इज समीशन ए आई इंटू बी आई, आई विच इज विल बी ए फाइनाइट नंबर, ए आई जो है वो आई का एलिमेंट है और बी आई जो है वो जे का एलिमेंट है। मीन्स आई के एलिमेंट को हमने क्या करना है, जे के एलिमेंट के साथ जितने भी एलिमेंट्स हैं आई और जे के आपस में मल्टीप्लाई कर देना है और ऐड करना है। मीन्स अगर हमारे पास आई में एक्स वन वाई वन है और जे में हमारे पास अगर एक्स टू वाई टू है तो आई इंटू जे में क्या आ जाएगा, एक्स वन इंटू एक्स टू प्लस एक्स वन इंटू वाई टू प्लस वाई वन इंटू एक्स टू प्लस वाई वन इंटू वाई टू, जैसा कि हमने प्रोडक्ट ऑफ सब ग्रुप्स में भी किया था एच इंटू के। तो सिमिलरली यहां पे हमारे पास है आई इंटू जे। और नेक्स्ट हमारे पास है पावर ऑफ आइडियल, अगर जे को रिप्लेस कर दें आई के साथ तो आई इंटू आई हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर। नल अगर आई आइडियल है देन आई स्क्वेयर इट इज इक्वल टू आई इंटू आई विच इज समीशन ए आई बी आई वेयर ए आई एंड बी आई बोथ आर एलिमेंट्स ऑफ आई। यहां पे ए आई आई का एलिमेंट था, बी आई जे का एलिमेंट था, लेकिन यहां पे दोनों एलिमेंट्स किसके हैं, आई के। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, आई स्क्वेयर। सिमिलरली वी कैन फाइंड आई क्यूब आई टू द पावर एन। सो आई टू द पावर एन की अगर बात करें सो दैट कैन बी रिटन एज आई इंटू आई टू द पावर एन माइनस वन एंड सो ऑन। नाउ इसी से रिलेटेड हमारे पास थ्योरम है, इफ आई एंड जे आर आइडियल्स ऑफ रिंग आर देन आई इंटू जे प्रोडक्ट ऑफ टू आइडियल वो भी एक आइडियल होगा। मीन्स हमने ये शो करना है कि ये जो प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स है, ये वाला जो सेट है, इट इज आइडियल ऑफ आर, मोर ओवर आई इंटू जे ये एक आइडियल होगा विच विल बी ए सबसेट ऑफ आई इंटरसेक्शन जे का। नाउ सबसे पहले तो इस सेट को हम आई इंटू जे को नॉन एम्प्टी प्रूव करेंगे। नाउ बिकॉज जीरो बिलोंग्स टू आई एंड जीरो बिलोंग्स टू जे, तो जीरो इंटू जीरो है वो बिलोंग करेगा आई इंटू जे को, प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा, प्रोडक्ट ऑफ आइडियल्स को। तो इट मीन्स जीरो बिलोंग करेगा आई इंटू जे को, कोई और एलिमेंट हो ना हो लेकिन जीरो तो कम से कम इसमें होगा। सो इट मीन्स आई इंटू जे जो है हमारे पास दैट इज नॉन एम्प्टी सेट आल्सो, क्योंकि आई और जे आइडियल्स हैं, इट मीन्स सबसेट हैं आर के। तो आई इंटू जे भी हमारे पास सबसेट होगा किसका, आर का। तो देयरफोर इट इज नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ रिंग आर। नाउ वी हैव टू प्रूव दैट आइडियल के लिए हम क्या करेंगे, दो एलिमेंट कंसिडर करेंगे इसके। नाउ लेट एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई इंटू जे एंड आर बिलोंग्स टू आर बी एनी एलिमेंट्स। अब एक्स क्योंकि प्रोडक्ट को बिलोंग करता है तो कैसा होगा, ए आई इंटू बी आई फॉर्म का, वेयर आई हमारे पास क्या होगा वन टू एन, और वाई भी हमारे पास, वाई भी क्योंकि प्रोडक्ट को बिलोंग करता है तो ये भी सी आई इंटू डी आई फॉर्म का होगा, समीशन सी आई इंटू डी आई, वेयर आई क्या हमारे पास वन टू, कुछ और हो सकता है वन टू एम, वेयर जो ए आई सी आई है वो हमारे पास एलिमेंट्स हैं आई के और जो बी आई एंड डी आई हैं वो किसके एलिमेंट हैं, जे के। नाउ और एम और एन हमारे पास क्या हैं, फाइनाइट पॉजिटिव इंटीजर्स। नाउ एक्स माइनस वाई की बात करें तो दैट इज समीशन ए आई बी आई माइनस समीशन सी आई डी आई, आई हमारे पास क्या है वन टू एम। नाउ ये समीशन किसके इक्वल होगी, विच विल बी इक्वल टू आई वेरीज फ्रॉम वन टू एम प्लस एन,
एक्स एक्स आई, या आप यहां पे के लिख दो, के वेरीज फ्रॉम 1 to m, 1 to m+n, एक्स के वाई के। अब एक्स के की अगर बात करें, नो एक्स के हमारे पास क्या आएगा, 1 to n, तो हमारे पास ए आई के इक्वल आ जाएगा। नाउ अगर एक्स के की बात करें तो दैट इज इक्वल टू ए आई फॉर ऑल आई वेरीज फ्रॉम, मीन्स एक्स के इज इक्वल टू, या आई लिख दो, या यहां पे के लिखते हैं, एक्स के इज इक्वल टू किसके होगा, ए के इक्वल फॉर ऑल के वेरी फ्रॉम 1 to अप टू कहां तक, एन तक, अप टू एन। उसके बाद ये किसके इक्वल होगा, नेगेटिव ऑफ सी आई के, और उसके बाद आफ्टर दैट इट विल बी इक्वल टू माइनस सी के, वेन के की वैल्यू क्या होगी, फ्रॉम n+1 अप टू n+m। सिमिलरली वाई के दैट विल बी इक्वल टू वी आई बी के फॉर ऑल के वेरी फ्रॉम 1 to n, और उसके बाद n+1 से लेके n+m तक इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी, नेगेटिव ऑफ डी के, नेगेटिव ऑफ डी के। तो क्लियरली ये भी एलिमेंट अगर देखें तो एक्स के भी एलिमेंट आई को बिलोंग कर रहा है, और वाई के भी हमारे पास जे का एलिमेंट है, तो देयर फोर दिस विल बिलोंग्स टू आई इन टू जे। सो फ्रॉम दिस वी कैन से दैट जो एक्स माइनस वाई है दैट इज बिलोंग्स टू आई इन टू जे। नाउ अब बात करेंगे आर इन टू एक्स की और एक्स इन टू आर की, क्योंकि आइडियल प्रूव करना है। आर इन टू एक्स दैट इज आर समीशन ए आई बी आई, आई वेरी फ्रॉम 1 to n, तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, समीशन आई वेरीज फ्रॉम 1 to n आर इंटू ए आई इंटू बी आई। अब क्योंकि ए आई किसका एलिमेंट है, आई का, और आर एलिमेंट है आर का, तो आर इंटू ए आई एलिमेंट होगा आई का, क्योंकि आई तो आइडियल है। अगर ये एलिमेंट आई का है और जे ये वाला एलिमेंट जे का है, तो देयर फोर दिस विल बिलोंग्स टू आई इंटू जे। तो यहां पर हमारे पास आ गया R into X belongs to IJ। Similarly, अगर X into R की बात करें, that will be I vary from 1 to n AI BI into R। So that will be equal to I vary from 1 to n AI into BIR। Again, BI जो है वो एलिमेंट J का है और R एलिमेंट R का है, तो BI into R ये किसका एलिमेंट होगा, जे का, क्योंकि जे तो आइडियल है। अब ये एलिमेंट आई का है और ये वाला एलिमेंट जे का है, सो देयर फोर दिस विल बिलोंग्स टू आई इंटू जे। तो जो एक्स इंटू आर है वो किसको बिलोंग करेगा, आई इंटू जे को। सो देयर फोर फॉर ऑल एक्स कॉमा वाई बिलोंग्स टू आई जे एंड आर बिलोंग्स टू आर वी हैव एक्स माइनस वाई कॉमा आर एक्स कॉमा एक्स आर, ये किसको बिलोंग करता है, आई इंटू जे को। सो अगर ये आई जे को बिलोंग करता है, सो देयर फोर आई जे हमारे पास क्या आ जाएगा, आइडियल ऑफ आर। और मोर ओवर हमने ये भी प्रूव करना है कि ये इट इज ए सबसेट ऑफ आई इंटरसेक्शन जे। नाउ अब आइडियल तो हमने प्रूव कर दिया, अब इसको सिंपली सबसेट शो करना है, तो उसके लिए इसका कोई एलिमेंट कंसीडर करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू आई जे बी एनी एलिमेंट, जैसा कि हमें पता है, तो एक्स की वैल्यू क्या होगी, समीशन ए आई इंटू बी आई, आई की वैल्यू क्या है, 1 to n। अब ए आई जो है वो आई का एलिमेंट है और बी आई जो है वो जे का एलिमेंट है, जे सबसेट है आर का, तो इट मीन्स बी आई जो है वो आर को बिलोंग करेगा और ए आई किसका एलिमेंट है, आई का। तो दोनों की अगर प्रोडक्ट करें तो वो हमारे पास क्या करेगी, आई को बिलोंग करेगी, क्योंकि आई आइडियल है। सो देयर फोर वी कैन से दैट के जो एक्स है हमारे पास, दिस विल बिलोंग्स टू आई। सिमिलरली ए आई
आई का एलिमेंट है और आई सबसेट है आर का, तो इट मीन्स ए आई जो है वो आर को बिलोंग करेगा, और बी आई किसका एलिमेंट है, जे का, और आर का एलिमेंट इंटू जे का एलिमेंट क्या आ जाएगा, ए आई इंटू बी आई, इट विल बिलोंग्स टू जे, क्योंकि जे भी तो आइडियल है ना। सो देयर फोर आल सिमिलरली एक्स जो है वो जे को भी बिलोंग करेगा। अब एक्स आई को भी बिलोंग कर रहा है, जे को भी बिलोंग कर रहा है, इट मीन्स एक्स जो है वो बिलोंग करेगा आई इंटरसेक्शन जे को। लेकिन एक्स किसका एलिमेंट था, आई इंटू जे का, और किसको बिलोंग कर गया, आई इंटरसेक्शन जे को। सो देयर फोर आई इंटू जे जो है वो सबसेट होगा आई इंटरसेक्शन जे का, ठीक है। तो ये तो हो गया जो हमने प्रूव करना था। आल्सो एक यहां से एक रिमार्क भी कर लेते हैं, एक आप याद रखना, आई इंटू जे, अब ये तो हमने प्रूव कर दिया कि इट इज ए सबसेट ऑफ आई इंटरसेक्शन जे, ये भी आइडियल है, इंटरसेक्शन ऑफ आइडियल इज आइडियल। आल्सो आई इंटरसेक्शन जे जो है दैट विल बी, इट इज आल्सो ए सबसेट ऑफ आई प्लस जे, आई प्लस जे सम ऑफ आइडियल जो है, इंटरसेक्शन जो है इन दोनों का सम ऑफ आइडियल का भी सबसेट है। तो हम ये बोल सकते हैं कि इट इज ए स्मॉलर आइडियल एंड इट इज ए लार्जर आइडियल कंटेनिंग आई प्लस जे, आई इंटरसेक्शन जे। नाउ नेक्स्ट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एक, लेट आई इज आइडियल विच इज इक्वल टू ए जेड एंड बी आइडियल है विच इज इक्वल टू बी जेड, बी के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं, बी से जनरेटेड आइडियल है, प्रिंसिपल आइडियल है, बी टू आइडियल्स ऑफ रिंग जेड, ए और बी पॉजिटिव इंटीजर हैं, देन वी आर टू फाइंड आई प्लस जे सम ऑफ आइडियल क्या होगा, आई इंटरसेक्शन जे एंड आई इंटू जे। नाउ सबसे पहले इसको फाइंड करेंगे आई प्लस जे को। नाउ लेट डी इज इक्वल टू जी सी डी ऑफ ए बी, तो डी हमने यहां पे जी सी डी कंसिडर कर ली ए बी की, सो देयर फोर बाय रिजल्ट ऑफ जी सी डी, डी डिवाइड करेगा ए को एंड डी जो है वो बी को भी डिवाइड करेगा। तो डी, बिकॉज डी डिवाइड कर रहा है ए को, तो ए जो है, जो ए जो है वो डी का मल्टीपल होगा, एंड सिमिलरली बी जो है वो भी डी का मल्टीपल होगा, वेयर एम और एन हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। सो ए डी का मल्टीपल है, इट मीन्स ए जो है वो डी से जनरेटेड जो इंटीग्रल मल्टीपल का सेट आएगा उसको बिलोंग करेगा, मी जो ए के मल्टीपल्स होंगे वो सबसेट होंगे, वो सबसेट होगा सेट किसका, डी के इंटीग्रल मल्टीपल्स का। सिमिलरली यहां पे हम लिख सकते हैं कि बी बिलोंग करेगा इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ डी, सो बी के जो इंटीग्रल मल्टीपल्स होंगे वो सबसेट होंगे किसके, डी के इंटीग्रल मल्टीपल से। तो इन दोनों को ऐड करके ए के इंटीग्रल मल्टीपल्स और बी के इंटीग्रल मल्टीपल जो है वो सबसेट होंगे किसके, डी के इंटीग्रल मल्टीपल्स के। नाउ कंसीडर दिस इक्वेशन नंबर वन, आल्सो बिकॉज, क्योंकि डी जो है वो जीसीडी है ए और बी की, तो बाय डेफिनेशन ऑफ जीसीडी देयर एग्जिस्ट टू इंटीजर एक्स एंड वाई, सो दैट सच दैट डी कैन बी रिटन एज ए एक्स प्लस बी वाई। सो डी जो है इट विल बिलोंग्स टू ए जेड प्लस बी जेड, बी के मल्टीपल्स। सो इट मीन्स जो डी के इंटीग्रल मल्टीपल्स हैं वो सबसेट होंगे किस सेट के, ए के इंटीग्रल मल्टीपल्स प्लस बी के इंटीग्रल मल्टीपल्स के। सो दिस से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू ए जेड प्लस बी जेड किसके इक्वल होगा, डी जेड के, मीन्स आई प्लस जे जो है दैट इज इक्वल टू डी जेड, वे डी हमारे पास क्या है, डी हमने कंसिडर किया था जी सी डी ऑफ ए एंड बी को, मीन्स अगर हमारे पास आई इज इक्वल टू टू जेड है एंड जे इज इक्वल टू थ्री जेड है, देन आई प्लस जे किसके इक्वल होगा, डी जेड, डी क्या है इन दोनों की जीसीडी,
ए और बी की। सो टू और थ्री की जीसीडी हमारे पास वन आएगी, तो वन इंटू जेड। सिमिलरली अगर आई हमारे पास सिक्स जेड है एंड जे हमारे पास नाइन जेड है, तो आई प्लस जे, तो वो जी डी जेड डी जीसीडी ऑफ सिक्स एंड नाइन, जीसीडी ऑफ सिक्स एंड नाइन हमारे पास आएगी थ्री, थ्री इंटू जेड के इक्वल होगा। नाउ ये तो बात होगी सम ऑफ दी आइडियल्स की आई प्लस जे की। नाउ वी विल फाइंड आई इंटरसेक्शन जे। नाउ इंटरसेक्शन की अगर बात करें, नाउ लेट आई इंटरसेक्शन जे, दोनों के कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट के लिए हम कंसिडर करेंगे एलसीएम। नाउ लेट एल इज इक्वल टू एलसीएम ऑफ ए एंड बी, तो एलसीएम है तो ए जो है वो एल को भी डिवाइड करेगा और बी डिवाइड करेगा एल को। जैसे अगर फोर और सिक्स के एलसीएम की बात करें तो दैट विल बी इक्वल टू ट्वेल्व। सो फोर डिवाइड्स ट्वेल्व एंड सिक्स डिवाइड्स ट्वेल्व, तो ए डिवाइड्स एल एंड बी डिवाइड्स एल। अगर ए एल को डिवाइड करता है तो एल क्या होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए। सिमिलरली जो यहां पे एल जो है वो बी का भी मल्टीपल होगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, वेयर एन वन और एन टू हमारे पास क्या है, इंटीजर्स। तो एल ए का इंटीग्रल मल्टीपल है, इट मीन एल जो है वो ए जेड को बिलोंग करेगा। सिमिलरली हेयर एल बिलोंग करेगा बी जेड को। सो देयरफॉर अब एल ए जेड को भी बिलोंग करता है और बी जेड को भी बिलोंग करता है। तो अगर एल ए जेड को बिलोंग करता है तो एल जेड किसका सबसेट होगा, किसका सबसेट होगा, ए जेड का सबसेट होगा, जिसको हम सिंपली प्रिंसिपल आइडियल जनरेटेड बाय ए भी बोल सकते हैं। सिमिलरली एल जेड यहां पे जो है वो बी जेड का भी सबसेट होगा। तो अगर ये वाला सेट इन दोनों का सबसेट है, तो इट मीन जो एल है वो सबसेट होगा ए जेड इंटरसेक्शन बी जेड का। नाउ कंसिडर दिस इज इक्वेशन नंबर थ्री। नाउ अब इसको राइट हैंड साइड को इसका सबसेट शो कर देंगे, उसके लिए इसका कोई एलिमेंट कंसिडर करेंगे। लेट एक्स बिलोंग्स टू ए जेड इंटरसेक्शन बी जेड, तो एक्स इंटरसेक्शन का एलिमेंट है, इट मीन दोनों का कॉमन एलिमेंट है, तो इट मीन दोनों को बिलोंग करेगा। तो x जो है वो a का भी मल्टीपल होगा एंड x जो है वो b का भी मल्टीपल होगा। इट मीन्स a डिवाइड करेगा x को एंड b डिवाइड करेगा x को। इट मीन्स अगर a और b दोनों x को डिवाइड कर रहे हैं तो दोनों का एलसीएम जो है वो भी डिवाइड करेगा x को। अब एलसीएम किसके इक्वल है, l के इक्वल, तो इट मीन्स l डिवाइड करेगा x को। अगर L X को डिवाइड करेगा तो X मल्टीपल होगा किसका, L का। तो अगर मल्टीपल है तो एल जेड को बिलोंग करेगा, तो जो एक्स जेड है, सो यहां पे सिंपली हम लिख देंगे कि X बिलोंग करेगा एल जेड को। लेकिन X किसका एलिमेंट हमने कंसिडर किया था, इंटरसेक्शन का। सो फ्रॉम दिस वी हैव ए जेड इंटरसेक्शन बी जेड इज ए सबसेट ऑफ एल जेड। नो इसको इक्वेशन नंबर फोर कंसिडर करेंगे। नो फ्रॉम थ्री एंड फोर, फ्रॉम थ्री एंड फोर वी हैव ए जेड इंटरसेक्शन बी जेड इज इक्वल टू एल जेड, वेयर एल हमारे पास क्या है, एलसीएम ऑफ ए एंड बी। अब इसको एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं, जैसा कि लास्ट में किया था, इफ आई इज इक्वल टू टू जेड एंड जे इज इक्वल टू थ्री जेड, देन आई इंटरसेक्शन जे इन दो टू और थ्री का एलसीएम सिक्स, तो विच विल बी इक्वल टू सिक्स जेड। सिमिलरली अगर आई हमारे पास थ्री जेड है एंड जे इज इक्वल टू सिक्स जेड, देन आई इंटरसेक्शन जे थ्री और सिक्स का एलसीएम, थ्री और सिक्स का एलसीएम सिक्स, तो दैट विल बी इक्वल टू सिक्स जेड। ओके, नाउ वी विल फाइंड आई इंटू जे। नाउ आई इंटू जे, क्योंकि आई इंटू जे में दोनों आई और जे के एलिमेंट्स की प्रोडक्ट होती है, सो वी क्लेम हेयर दैट
कि जो आई इंटू जे है दैट विल बी इक्वल टू ए इंटू बी जेड, मीन्स इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए एंड बी के इक्वल होगा। नाउ बिकॉज ए बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए, सिमिलरली बी जो है वो बी जेड को बिलोंग करता है, तो ए इंटू बी किसको बिलोंग करेगा, दोनों की प्रोडक्ट को बिलोंग करेगा। सो इट मीन जो ए इंटू बी के इंटीग्रल मल्टीपल होंगे वो सबसेट होंगे किसके, इंटीग्रल मल्टीपल्स ऑफ ए इंटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, मीन्स आई इंटू जे के। मीन्स हमने यहां पे क्लेम क्या किया है कि जो ए के इंटीग्रल मल्टीपल एंड बी के इंटीग्रल मल्टीपल हैं, दैट इज इक्वल टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी। तो यहां पे एक तो हमने एक सेट को तो दूसरे का सबसेट शो कर दिया, अब इसको इसका सबसेट शो करना है। ना उसके लिए इसका कोई एलिमेंट कंसिडर करेंगे और इसको इसमें प्रूव करेंगे। नाउ लेट एक्स बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए इंटू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी, मीन्स आई इंटू जे। यहां पे हमने क्या कंसिडर किया, आई इंटू जे को बिलोंग करता है एलिमेंट कंसिडर किया। तो कैसा होगा, ए आई इंटू बी आई, वेयर आई के हमारे पास क्या है, एक फाइनाइट नंबर, वेयर ए आई बिलोंग्स टू आई और बी आई बिलोंग्स टू जे। नाउ सिंस ए आई बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए, तो ए आई किसके इक्वल होगा, समथिंग टी आई इंटू ए, एंड बी आई जो है वो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ बी को बिलोंग करता है, तो इट मीन्स बी आई जो है दैट विल बी टी आई डैश इंटू बी। तो अब अगर इन दोनों की प्रोडक्ट करें ए आई इंटू बी आई, तो वो क्या आएगा, टी आई ए टी आई डैश ए बी, सो दैट इज इक्वल टू टी आई इंटू टी आई डैश इंटू ए बी। तो ए आई इंटू बी आई इट विल बिलोंग्स टू इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी। सो तो जो इसकी समीशन है वो बिलोंग करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी को। सो इट मीन्स एक्स जो है वो बिलोंग करेगा इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी को, लेकिन एक्स किसका एलिमेंट कंसिडर किया था, आई इंटू जे का। सो देयर फोर आई इंटू जे इट इज ए सबसेट ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी। नाउ से दिस इज इक्वेशन नंबर टू। सो फ्रॉम वन एंड टू, फ्रॉम वन एंड टू आई इंटू जे जो है किसके इक्वल आ जाएगा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ ए बी। नाउ एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसा कि लास्ट में हमने किया था, इफ आई इज टू जेड एंड जे इज थ्री जेड, तो आई इंटू जे किसके इक्वल होगा, दोनों के मल्टीप्लाई कर दें तो ए और बी को, तो सिक्स इंटू जेड के। सिमिलरली आई अगर हमारे पास थ्री जेड है एंड जे अगर हमारे पास सिक्स जेड है, तो आई इंटू जे किसके इक्वल होगा, 18z के, 18s के मल्टीपल। नाउ ये तो थे अलजेब्रा ऑफ आइडियल से रिलेटेड क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो नेक्स्ट टॉपिक हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।